आप देख रहे हैं न्यूज 24 साथ आपके, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये जश्न का वक्त जरूर हो सकता है, क्योंकि जो रुझान संकेत दे रहे हैं उसके मुताबिक 23 मई को फिर से पूरा देश बोलेगा मोदी दिल से। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस रास्ते से ये कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का दरवाजा खुलता है, यानी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो वहां पर सोचने वाली बात ये है कि अगर एग्जिट पोल पर गौर फरमाया जाए, आखिर माया और अखिलेश यादव से चूक कहां हो गई, आखिर कैसे वो मोदी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। और साफ तौर पर बीजेपी को 2014 के मुकाबले अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ इस बार नजर नहीं आ रहा है, यानी कि गढ़ करीब करीब बचा लिया है बीजेपी ने। तो सवाल यही उठता है कि बुआ बबुआ की जोड़ी से गलती क्या हुई, चूक क्या हुई, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, दरअसल ये महापोल है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। क्या माया अखिलेश मोदी से नहीं लड़ पाए, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य को 65 प्लस माइनस 8 सीटें, महागठबंधन 13 प्लस माइनस 6 सीटें, और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस 2 और प्लस माइनस 2 सीटें, ये है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के पोल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का महापोल क्या कह रहा है ये मैं जल्दी से आपको बता दूं, 50 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, महागठबंधन 28 सीटें, और देखिए 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। टाइम्स नाउ और वीएमआर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए 58 सीटें बीजेपी को, महागठबंधन के खाते में 20 सीटें, और कांग्रेस को 2 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। तो सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के पोल का जो महापोल है वो संकेत क्या दे रहा है, क्योंकि बहुत अहम है। बीजेपी 55, महागठबंधन देखिए 22 और कांग्रेस 2, तो महागठबंधन महाचुनौती क्यों नहीं पेश कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार यही बात कह रहे थे दरअसल ये महागठबंधन नहीं है, महामिलावटी गठबंधन है, जिससे अब सरकार को जूझना है और पूरे देश को जूझना है, और इसलिए जनता इसका जवाब देगी। तो क्या ये माना जाए कि जनता ने जवाब दे दिया है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह भी जुड़ गई हैं। मीम अफजल साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से है। सुनील साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। मीम साहब, गलती कमी कहां रह गई, देखिए महागठबंधन कोई चुनौती बुआ बबुआ दे ही नहीं पाए एग्जिट पोल की माने तो। देखिए मुझे लगता है कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत हैं। अच्छा, और दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलने की कोई संभावना नहीं है, और इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने यहां बैठा हूं और टेलीविजन चैनल पर बहस कर रहा हूं। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में खुद घूमा हूं और मैंने ज़मीन के ऊपर देखा। ज़मीन पर जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन थी, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, उसमें और जो आज ये एग्जिट पोल आए हैं इसके अंदर कहीं कोई समानता दिखाई नहीं देती, कहीं कोई बात समझ में नहीं आती। एक चैनल ने, चलिए मीम अफजल साहब, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है, आपने कहा है कि आपने पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है और जमीनी हकीकत से आप रूबरू हैं, तो आप बताइए आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, एनडीए के खाते में कितनी, यूपीए के खाते में कितनी, महागठबंधन कांग्रेस कितनी सीटें। देखिए मेरा कैलकुलेशन ये है जी कि महागठबंधन और कांग्रेस को मिलाएंगे तो 60 से ऊपर सीट आएंगी, एक दो सीट कम हो सकती है, एक दो सीट कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। यानी एग्जिट पोल से एकदम उलट आपके नतीजे हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपका तो एक अलग ही एग्जिट पोल हो गया है। देखिए एग्जिट पोल जो है, मैं आज कहूंगा, कल मैंने नहीं कही थी लेकिन मैं आप कह रहा हूँ आपको, ये एक संयोजित तरह के पोल्स हैं और ये एक बहुत बड़ा इसके पीछे कारण भी हो सकता है। देखिए पिछले 9 दिन के अंदर सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट गिरा था और आज अचानक सुबह को सेंसेक्स जो है वो 1421 पॉइंट जो है वो बढ़ गया, तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया मार्केट के अंदर। और जाहिर है कि आज शेयर मार्केट के अंदर जबरदस्त खरीद साजिश की बात कर रहे हैं तो शक की सुई किसकी तरफ, मीडिया की तरफ, ये कहना आपका।
अब मैं नहीं कि मैं देखिए मैं किसकी तरफ है ये तो आप खुद तय कर लें, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ ये बड़ा सोचे समझे तरीके से किया गया है। देखिए क्योंकि हमने सोचे समझे तरीके से भी मफजल साहब कुछ भी देश नहीं किया, साइंटिफिक अप्रोच था, साइंटिफिक तरीका था, सारे तमाम एग्जिट पोल्स अगर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या साइंटिफिक की बात करती हैं आप, एक एक चैनल जो है और दूसरे चैनल में के दरमियान में 95 सीटों का फर्क आ रहा है, कौन सा साइंटिफिक तरीका है जो लोकसभा की सीटों में 95 का फर्क आ रहा है जी। आप मुझे बताइए कौन सा साइंटिफिक तरीका है, आप ही बता दीजिए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि आज तक की तारीख है, अच्छा। पिछले 13 इलेक्शंस के अंदर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें 58% एग्जिट पोल ठीक साबित हुए हैं, 42% शामिल है, लिखी आप हमारी बात। और देखिए 23 मई को फिर होगी आपसे मुलाकात, उस वक्त भी मैं यही सवाल आपसे करूंगी। फिलहाल मुझे जाना होगा अनिला जी के पास। अनिला जी, मीम अफजल साहब मानने को तैयार नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल जितनी सीटें आपके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं उतनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, एसपी बीएसपी मिलकर कमाल करने वाली है, ये उनका दावा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर रुझान आपके पक्ष में जा रहे हैं कमाल तो बीजेपी को रोका कैसे गया बीजेपी के द्वारा? देखिए आपके पैनल पे जो दो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब और समाजवादी पार्टी से सुनील साजन जी, ये दोनों के दोनों बेहद अच्छे प्रवक्ता भी हैं और बहुत सीनियर लीडर्स भी हैं, तो मैं इनका दोनों का बहुत सम्मान करती हूँ। और उसी सम्मान के साथ मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए हैं, ये डिफरेंट सर्वे एजेंसीज हैं जिन्होंने सर्वे किए हैं और उसके पे दिए, पर इनके पर एतबार नहीं है। एक सेकंड मैं बोल लूं, पर इनके दिल के सुकून के लिए रिपब्लिक का जो सी वोटर है उसने हमें 38 सीटें दी हुई हैं, बाकियों ने तो सबने 60 से ऊपर दी हुई हैं। पर देखिए उत्तर प्रदेश का विषय जैसे मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ और हम तीनों ही उत्तर प्रदेश को बेहद अच्छी तरीके से और करीबी से जानते हैं। यहाँ पर शुरू से ही हमें बेहद क्लियर था कि ये जो एक बहुत स्टीरियोटाइप्ड और क्लासिक मेथड ऑफ इलेक्शन रहा है जाति धर्म और क्षेत्र के ऊपर, इसके ऊपर 2014 में भी हमने विजय प्राप्त करी थी, 2017 में भी विजय प्राप्त करी थी और हमारे अपने आधार थे के ऊपर, जिसकी वजह से हमें विश्वास था कि हम इस बार भी जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर वोट पाएंगे। बहुत अहम बात अनिला जी आपने कही है, इसलिए वो हम तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ओबीसी 40%, यादव 8% प्लस लोधी 7% प्लस कुर्मी 3%, क्योंकि जाति समीकरण की आपने बात कही है इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। कुशवाहा 14%, जिसमें मौर्य, शाक्य, कोरी, कांची, सैनी, अन्य ओबीसी 8%। ये देखिए ये उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण था, क्या इस समीकरण को भी भेद लिया बीजेपी ने? मंडल कमंडल की राजनीति से भी ऊपर आ गई, जात पात की राजनीति के ऊपर ओबीसी 40%। देखिए ये जो जातीय समीकरण ये हम आपको दिखा रहे हैं। सवर्णों की अगर बात करें 20%, जिसमें ब्राह्मण है 10%, ठाकुर है 7%, वैश्य है 2% और कायस्थ है 1%। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता जो है वो 19% है। 2014 में हुआ ना, नहीं लड़ पाए, ये सवाल है। साजन जी कमी कहां रह गई, या फिर ये कहेंगे कि अभी इंतजार करेंगे 23 मई का? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि हम 23 मई का इंतजार करेंगे। और देखिए एग्जिट पोल है, ये रिजल्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब हमारे सहयोगी ने अखिलेश यादव से बात की कि आगे के सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, मेरे एक सवाल आप सुन लीजिए, अगर आप 23 मई का इंतजार कर रहे हैं तो फिर ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। मेरे सहयोगी ने जब अखिलेश यादव से बात की और ये कहा कि आगे को लेकर आपका रुख क्या होगा, उन्होंने कहा मुझे आज शाम का बेसब्री से इंतजार होगा क्योंकि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का पोल आने वाला है, उसके बाद जो आंकड़े होंगे उस हिसाब से हमारी तस्वीर आगे की साफ होगी और उसके बाद रणनीति बनेगी। अब आपको ये भी मान्य नहीं है? सर वो तो इंतजार कर रहे थे। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है कि मान्य है कि नहीं मान्य। देखिए ये रिजल्ट नहीं है ना, आप क्या इसको रिजल्ट मानती हैं? सर मैं ये पूछ रही हूँ, एग्जिट पोल है, अगर आंधी आई है तो वजह क्या हो सकती है? हमेशा इतिहास रहा है, कभी सच हुआ और कभी गलत हुआ। बिल्कुल, देखिए आंधी मोदी जी के खिलाफ है उत्तर प्रदेश में और ये 23 तारीख को साबित होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो बहुमत पा रहे हैं तो परेशान क्यों है? परेशान सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुमत नहीं पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन है उस नहीं, आपको लगता है आपका जो एमवाई वोट बैंक था
और दलितों को साथ लाने की कोशिश की, वो भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही। वो खिसका तो नहीं है सर, वो खिसका तो नहीं है। देखिए बहुत संक्षेप में, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी पे सवाल कभी नहीं होता कि आप जातिवादी हैं। राष्ट्रपति बनाए तो जात बताते हैं, प्रधानमंत्री की जात बताते हैं, प्रत्याशी की जात बताते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। हम अगर पिछड़े दलित और मुसलमान मिलकर के, किसान मिलकर के गठबंधन कर ले तो हम जातिवादी हो जाते हैं। तो देखिए जिस तरीके से आपने कहा ना कि सब एग्जिट पोल एक जैसा दिखा रहा है, आपको इस बार ठुकरा दिया सर, ये मेरा आपसे सवाल था, छोटा सा ब्रेक में जवाब के लिए, लेकिन रिजल्ट दूसरा आएगा, इंतजार रहेगा, आप भी जवाब तैयार कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं, देश की आवाज लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सवाल वही है कि क्या माया अखिलेश मोदी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए? जिस मकसद के साथ महागठबंधन का गठन किया गया था, गांठें लाख पड़ी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके मोदी को रोकने के लिए एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्या कामयाबी हासिल नहीं हो पाई? देखिए तस्वीर क्या कह रही है। 2014 चुनाव के जातिवार मत विभाजन प्रतिशत की अगर हम बात करें, वोट शेयर की अगर बात करें, तो देखिए जाति समुदाय ब्राह्मण की अगर बात करें तो कांग्रेस को मिला था 11%, बीजेपी 72%, बीएसपी 5% और एसपी 5%। राजपूत कांग्रेस के खाते में पिछली बार 7% वोट शेयर था, 77% बीजेपी के पास गया था, बीएसपी 5%, एसपी 8%, वैश्य 13%, कांग्रेस 71%, बीजेपी के पास, बीएसपी के पास 4%, एसपी के पास 10%। अब अगर जाट की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस 13%, बीजेपी 77%, बीएसपी 5%, एसपी 5%। अन्य उच्च जाति की बात करें वो भी इसी तरीके से, तो कोशिश यही थी कि इस बार किसी तरीके से रोका जाने। नीला जी, क्या वजह रही कि एक साथ आए भी और काम भी नहीं आए? पिछली बार तो मायावती का खाता ही नहीं खुल पाया था 2014 में। इसमें सबसे बड़ी लूजर तो मायावती जी रहेंगी। मायावती जी इसलिए रहेंगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रशंसा करती हूँ अखिलेश यादव जी की, वो बहुत इंटेलिजेंट, होशियार, यंग नेता हैं। और अभी जो उन्होंने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था 2017 में राहुल गांधी जी के साथ मिलकर, उन्होंने देखा वो कामयाब नहीं हुआ, तो बहुत जल्द 2 साल के अंदर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया मायावती जी के साथ मिलकर, ठीक है। तो अब ये भी नहीं हुआ सक्सेसफुल, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि भाई मिलकर भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर मायावती जी का वोट तो ट्रांसफर हो रहा था, परंतु दूसरी तरफ से इधर वोट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा और था। यही अंदेशा था भी मायावती को, देखिए कैलकुलेशन पहले से था लेकिन कैलकुलेशन कायम हो ही गया। साजन जी, इस पर मैं आपसे सवाल जरूर लूंगी, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा और समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को बना दिया गया प्रयोगशाला, लेकिन बावजूद इसके वो रिजल्ट्स हाथ नहीं लगे जिसकी उम्मीद थी। नतीजे 23 को आएंगे लेकिन रुझान बहुत कुछ बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बड़ी बहस जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल गड़बड़ी हुई कहां, चूक कहां हुई, माया के खिलाफ क्या गया। ये जल्दी से आपको बता दें, 2014 में मायावती को 68% जाटा वोट, बीजेपी को 13% का फायदा हुआ था, ये हुआ था। तो यही गया है क्या मायावती के खिलाफ? छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। सबसे स्पष्ट विश्लेषण लाएगा तो न्यूज 24 ही, सुबह 6 बजे से लगातार। तो लगातार चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर नुकसान हो रहा है तो ये नुकसान क्यों हो रहा है मायावती को और अखिलेश यादव को, और मोदी को बढ़त मिलती हुई क्यों नजर आ रही है, और साफ तौर पर बीजेपी को इतना फायदा क्यों हो रहा है? आखिर वो क्या चीज है जो मोदी के पक्ष में गई है और क्या चीज है जो मायावती और अखिलेश यादव के खिलाफ गई है? मायावती के खिलाफ क्या गया ये तो हमने आपको बता दिया, अखिलेश के खिलाफ क्या गया ये जल्दी से हम आपको बता देते हैं। यादव वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी हुई है, बीएसपी से गठबंधन से कैडर नाराज हो गया था और इसका भी खामियाजा उठाना पड़ा अखिलेश यादव को। यादव वोट बैंक में बीजेपी की सेंध लगी, ऊपर से मुश्किल ये हो गई कि भीतर घात भी हो सकता है क्योंकि काडर नाराज हो गया था। काडर अगर नाराज हो गया था साजन साहब, तो ये नौबत क्यों आई? ये तो वही बात हो गई जो मोदी लगातार कह रहे थे, महामिलावटी गठबंधन था। मैं फिर कह रहा हूं कविता जी, जी देखिए मोदी जी क्या कह रहे थे, अब उस पर बात नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं एग्जिट पोल
मोदी जी को जिता रहे हैं जी। 23 तारीख का रिजल्ट महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में जिताएगा, और 23 तारीख के ऐसा नहीं कि हम लोग केवल आज ही बात कर रहे हैं, 23 को नहीं बैठेंगे, 23 के बाद नहीं बैठेंगे। आपको तो न्योता है भाई। अगर रिजल्ट इस तरीके के आएंगे तो जरूर उस पर बात होगी, लेकिन मुझे जितना मैं उत्तर प्रदेश को घूमा हूँ, नीम अफजल साहब कह रहे थे, बीजेपी की प्रवक्ता भी, सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश को, जिस जो मेरे पास जानकारी है, मैं फिर कह रहा हूं महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने जा रहा है इसी उत्तर प्रदेश में। सर लेकिन ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसको रिजल्ट आएगा, आप भी उत्तर प्रदेश में गए हैं, और फिर मैंने कहा कि आखिर जो जनादेश आएगा वो हम भी स्वीकार करेंगे। आप भी सर वो नाराजगी आप तक पहुंची क्या, जिसके बारे में हमको जानकारी है? नहीं, कैडर की नाराजगी नहीं थी, ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन था, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में खुश होकर के और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, और इसका असर आपको अवसरवा देता, मुझे लगता नहीं सहूलियत का नहीं था, ये मोदी जी को रोकने का था, अवसरवादिता की पराकाष्ठा। कोई बात नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है हम सुन रहे हैं, रिजल्ट के बाद उनको सुनना है। सर लेकिन मुझे बताइए क्या रणनीति थी, आपको क्या लगा कितना फायदा हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी का के साथ आ जाती है, वो पार्टी जिसका वोट शेयर भले रहा हो लेकिन पूरे देश में खाता तक नहीं खोल पाई थी, आपको उम्मीद किस बात की थी और इसमें कांग्रेस क्यों शामिल हो पाई? हमें उम्मीद जो थी वो है, और मैं फिर कह रहा हूँ सपा बसपा के गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता ही और नहीं, ये 23 तारीख को रिजल्ट में दिखेगा। भीम साहब आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद आपके लिए कुछ बचा ही नहीं उत्तर प्रदेश में, वो दो सीटें छोड़ी थी आपके लिए। देखिए कविता जी, आप जो अभी कास्ट का एक डिस्कशन कर रही थी और आप किसी नतीजे पर भी पहुंच गए कि फला कास्ट नाराज है इसलिए वोट नहीं पड़ा, ये तो ऐसी चीज आ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सर ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, जहां पर हमारा कैंडिडेट कमजोर होगा वहां बीजेपी के वोट कटेंगे, यानी कि नुकसान तो इन लोगों को भी हुआ ना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ इनसे उलझने नहीं आया हूँ, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जी। देखिए बुनियादी बात यह है कि आप इस तरह डिस्कशन कर रहे हैं जैसे आप ये कहें कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उससे पहले ही आप उसके पेट में होने के साथ साथ कुछ ऐसा तो आप नहीं उसकी खराबियां उसकी अच्छाइयां अभी से बयान देना शुरू कर दें। एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, सुन लीजिए कविता जी, मैं अभी आपको पिछली असेंबली के आंकड़े दिखाता हूँ। चार उस वक्त जो कंपनीज ने ये सब किया, उन्होंने सबके सब झूठे थे, सबके सब गलत शायद। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में एक चाणक्य दे रहा था 205 बीजेपी को, ठीक है, एक्सिस दे रहा था 251 से 280, तो हम भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल दे रहे थे 155 से 167 मई का, सुनिए मेरी बात, और 312 सीट आई थी बीजेपी को, आई थी ना, फाइनल नहीं है। अभी आप गठबंधन के बारे में भी इसी तरह की रिजल्ट देखेंगे, हमारे हाथ में है ये फुल एंड फाइनल नहीं है, लेकिन कविता जी मैं आपको फाइनल होने की तरह से बहस कर रही है उसके लिए क्या कीजिए, माफ कीजिए आप तो बहस ऐसे कर रही हैं जैसे फुल एंड फाइनल नतीजा आ गया है, आप तो कास्ट का डिस्कशन दे रही हैं, महापोल है, किसने वोट नहीं डाला, महापोल है सर, रुझान है, आप कर रही हैं तो ये मेरे पास भी है ना, अगर नुकसान होता मैं भी तो दिखा रहा हूँ, वो तो सुन लीजिए आप अनिला जी, आपका सी आपका आपके जो जितने मीम अफजल साहब, देखिए मीम अफजल जी मैं अनिला बोल रही हूँ, आप अभी बता रहे हैं और मैं आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं काटूंगी, बिकॉज चुनाव हो चुके हैं और अब हमें भी नतीजों का इंतजार है जो 23 को सामने आएंगे, अभी जो एग्जिट पोल्स हुए हैं ये गलत भी साबित हुए, आपकी बात को मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगी, परंतु मैं यहाँ पे कविता एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, चाहे वो 2014 रहा हो और चाहे 2017 रहा हो, 2017 का भी बिल्कुल हाल फिलहाल का, क्योंकि अभी मीम अफजल साहब जो हैं 2017 की जो डिफरेंट एजेंसीज है जिन्होंने एग्जिट पोल किया था उसका उदाहरण दे रहे थे, मैं इनको केवल और केवल इतना याद दिलवाना चाहूंगी, मीम अफजल जी मैं आपको केवल इतना याद दिलवाना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बेहद क्लियरली कहा था कि हम
जो हैं, जो हमारे अलाइड और हम हैं, हम 350 के करीब सीटें लेकर आएंगे। सबने बहुत मजाक बनाया था, सबने बहुत ज्यादा मजाक बनाया था। और देखिए 350 हम लेकर आए कि नहीं लेकर आए, तो 2014 में जो हमने बोला था उत्तर प्रदेश के लिए, 2017 में जो हमने बोला था उत्तर प्रदेश के लिए, और जो रुझान बता रहे हैं यही नतीजे में तब्दील। इससे बेहतर मैं लिख के दे सकती हूँ 70 से ऊपर हमारी सीटें आने वाली है। मध्य प्रदेश में आपने क्या प्रेडिक्ट किया था? बेहतर होगा राजस्थान मध्य प्रदेश, और आपने राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या प्रेडिक्ट किया था, कर्नाटक में क्या प्रेडिक्ट किया था? हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश के विषय में आपको बता रही हूँ, जो बोला था बीजेपी ने तकरीबन उतनी ही सीटें आई हैं, तो इसीलिए अब जो बोला है हमारी पार्टी के नेतृत्व ने उतनी ही तकरीबन सीटें आने वाली हैं। आपने जो दावा किया था उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने दावा सही किया, आपने कहा 350 कहा था आपने, 350 आपको आई थी सीट। लेकिन सवाल यह है कि सारे प्रेडिक्शंस और सारे एग्जिट पोल फेल हुए थे या नहीं हुए थे? मेरा नहीं, मैं आपसे केवल ये कहना चाहती हूँ, तो फिर बीजेपी का प्रेडिक्शन पे विश्वास है कि नहीं? क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन तो हमेशा सही आए। परंतु यहाँ पर प्रिया कहता है अब हमारा प्रेडिक्शन देखिए ना, एक चीज पूछिए, ढोल गाने बजाने के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा को लाया गया, क्यों नहीं असर हुआ? सारे एग्जिट पोल्स दिखा रहे एक या दो सीट, यानी कि अमेठी और रायबरेली, उसमें से भी अमेठी बेहद असर नहीं हुआ जब तक रिजल्ट ना आ जाए। तो क्या हुआ उसका रिजल्ट? क्या हुआ जब तक रिजल्ट ना आ जाए? अखिलेश के खिलाफ क्या क्या है? मैं तो बता रही हूँ, अगर आपसे पूछूं मोदी जी का असर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? अब देखिए यूपी में मैं अगर कहूँ कि मोदी जी का असर नहीं हुआ, आपके पास नरेंद्र मोदी ने 29 रैलियां की, अमित शाह ने 28 की, योगी आदित्यनाथ ने 137 रैलियां की, अखिलेश यादव ने 68 रैलियां की, मायावती ने 25 रैलियां की, इन रैलियों का भी असर हुआ होगा क्या मीम साहब जी? लोगों के बीच जाना, रैली करना, उन तक आवाज पहुंचाना, ये देखिए लंबे लंबे आंकड़े हैं, बहुत सारी रैली की योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, मायावती, सिर्फ 25 रैली उन्होंने की उत्तर प्रदेश में, इन सब का भी असर हुआ होगा क्या? और आपका आकलन क्या कहता है मीम साहब? आपका आकलन क्या कहता है कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी? मैं नोट करना चाहती हूँ क्योंकि हमें 23 मई को भी चर्चा को आगे बढ़ना है। जी मैंने सिर्फ इतना कहा है आपको, गठबंधन और कांग्रेस मिला के 60 के आसपास हम लोग सीटें लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश, तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें। सर उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश से। अच्छा जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश से। अच्छा, पूरे देश का नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है वो बीजेपी की नहीं बनेगी। पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार कांग्रेस कितनी लेकर आएगी अपने दम पर मीम साहब? अपने दम पर हम जो सीटें लेकर आएंगे मैं उसको नहीं कहना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि हम दोनों की मिलाकर के, उनके गठबंधन और कांग्रेस की मिलाकर आप 60 कर रहे हैं। अनिला जी दावा कर रही है पिछली बार से भी बेहतर आंकड़े होंगे, आप तो 65 की बात कर रहे हैं, हम उससे आगे के लिए तैयार है। मीम साहब आप आंकड़े भी नहीं पेश कर पा रहे हैं और हम जो आंकड़े रख रहे हैं उस पर आपको संशय भी है। देखिये वापस लौटूंगी तो फिर मेरा सवाल साहब से होगा, मैं उनसे ये सवाल करूंगी कि बीएसपी एसपी उनका आकलन क्या कहता है, कितनी सीटें आने वाली हैं, और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? छोटा सा ब्रेक, चलो। बिल्कुल, देखिए करोड़ों करोड़ों आदमी आया अपने देश और विदेश से, और शायद कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने प्रशंसा नहीं की हो कुंभ में जो सारे इंतजाम किए गए थे। तो मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी रहा है ईश्वर का, क्योंकि इतना बड़ा जो कुंभ है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना, और लोगों का जो बिल्कुल सैलाब वहां पे पहुंचता था स्नान के लिए, सारी सुविधाएं उनको देना, तो इसका फर्क तो डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। साजन जी आपका अनुमान क्या कहता है, और अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो जैसा कि ब्रेक के वक्त अनिला जी कह रही थी की बात हो कि रही। इस बार ईवीएम की चर्चा होगी या फिर किसी और की? और गंगा जल का आचमन जब लोग कर सकते हैं उसका भी। और देखिए अभी आपने कहा कि कुंभ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। देखिए ये प्रयाग में कुंभ था, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुंभ नहीं था कि जो आया नहा लिया और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हो गया। वो तो जब समाजवादी सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में भी वोट करने में तो उतर गया था, और सिर्फ यूपी से नहीं देश के कोने-कोने से दुनिया भर से लोग आए।
मानिए ना, इससे पहले भी तो मौका था, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाया। आप क्या माने जो गंगा मैया में डुबकी मार के गए वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? तैयारी की बात है, जायजे की बात थी, जिसकी चर्चा 23 को भी हम लोग कर ले। जी, छोटे से ब्रेक के लिए मुझको रुकना होगा, वापस लौटूंगी तो इसी बहस को आगे बढ़ाऊंगी। तो 23 को आएंगे, लेकिन उससे पहले चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आ गई, क्योंकि रुझान आ गए और रुझान में साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि बीजेपी को यूपी में जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह रही कि मायावती और अखिलेश सामने आए थे, राजनीतिक प्रयोग इसे बहुत बड़ा माना जा रहा था। लेकिन अगर वाकई में बीजेपी की तरफ इतने सारे वोटर चले गए हैं तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है जात पात की राजनीति से ऊपर उठे हैं। लेकिन बड़ी बात मीम अफजल साहब ने कही कि हमें इंतजार करना होगा 23 मई का, और उससे बड़ी बात यह रही कि अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर को उनको हटाना पड़ा है कैबिनेट से, क्योंकि उन्होंने खुद ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एसपी बीएसपी को मैसिव विक्ट्री मिलने वाली है। यह क्या संकेत देता है, इसके भी समझने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। सबसे स्पष्ट विश्लेषण लाएगा न्यूज 24 ही सुबह 6 बजे से लगातार।